हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये बीच में ही रह गया था, प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेंट टॉपिक, ये बीच में ही हमें हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम इसको अब ले रहे हैं। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, की प्राइस इलास्टिसिटी को हम और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। उसके बेसिकली पांच मेथड होते हैं जिसमें हमें कवर अप किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करते हैं। फर्स्ट मेथड है, अगर हम बात करें, फर्स्ट मेथड इज टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट हमारा टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। सेकंड वाज द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। थर्ड वाज द पॉइंट मेथड एंड द फोर्थ वन वाज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड फिफ्थ वाज द रेवेन्यू मेथड। तो पांच मेथड्स में इनको डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट हम सिलेबस कवर अप करने वाले हैं, तीन चार टॉपिक रह गए हैं हमारे। एक तो मार्केट वगैरह रह गया है और प्राइस की स्ट्रैटेजीज रह गई हैं, बाकी ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आप प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है, जैसे हम कंपेयर करते थे कि डिमांड कैसे इफेक्ट करती है प्राइस को और प्राइस से कैसे डिमांड के अंदर चेंज आता है, उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो प्राइस चेंज होगा उससे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। अगर मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर, इस डायग्राम से समझते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को यहाँ शो किया गया है ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा एक्स एक्सिस में बता रहा है, दैट वॉज द ईडी इज लेस देन वन। कैसे? जब हम अपना प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शंस में मूव करेगा। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस को तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाएगा। दैट वाज शोइंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। अगर सेम अगर हमारी सेम मूवमेंट हो रही है, अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज करेगा इन द इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। Whenever, जब हमारा इलास्टिसिटी वन कब आएगा, जब प्राइस में इंक्रीज हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो, उससे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ हो, दैट इज कॉल्ड ED इज इक्वल टू वन। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब हमारा जो प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हो। नेक्स्ट वॉज द ED इज ग्रेटर देन वन। तो प्राइस जब हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट वॉज शोइंग दैट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम एन बी से आर ए तक जा रहे हैं तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है इन द इंक्रीजिंग इन प्राइस। और अगर हम इसको क्या कहेंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस वॉज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वेन एवर द ईडी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। तो ये हमारा टोटल आउटले के अंदर था। तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, देन व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेन एवर द प्राइस इज इंक्रीज। तो आपको बताना है जब ईडी हमारा ग्रेटर देन वन है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो टोटल अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या शो करता है, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड वॉज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल डिमांड। जो हमारा प्राइस है, जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इनिशियल डिमांड, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन हमेशा आएगा क्योंकि प्राइस डिक्रीज होगा तभी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो वो हमें बता रहा है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रोपोर्शनेट कितना चेंज आएगा। प्रोपोर्शनेट चेंज हमारा आ रहा है पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस, और इसको इलाबोरेट करके फॉर्मूले को करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बाद में आ जाएगा, माइनस पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ईडी मेंशन है तो आपको प्राइस निकालना है, प्राइस निकालना है, और आपके पास आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस आपके पास गिवन है, तो आप कैसे प्राइस निकालोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस
वहां पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड मिल सकते हैं. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग बाय द इलास्टिसिटी. वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग अ पॉइंट डिस्क्राइबिंग ए पॉइंट द पॉइंट इन एवरी पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व शो डिफरेंट इलास्टिसिटी. That was showing by the point method. Elasticity computed at a single point on curve for an infinitely small change in price is a point elasticity. जो भी elasticity हम compute करते हैं, जो भी form करते हैं, वो हर एक single point पे curve के infinitely small change in price is called point elasticity. कि जो minute सा small change होगा, हर एक point पे different होगी. अगर हम linear इसके two पार्ट होते हैं, दैट वॉज द लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर डिमांड कर्व. ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व के अंदर हम लोग शो करते हैं कि हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा डिफरेंट होगी और एक्स एक्सिस हमारी क्वांटिटी शो करती है और वाई एक्सिस हमारी प्राइस शो कर रहा है. इसमें दो मेथड फॉर्म होते हैं, तो पॉइंट मेथड में लीनियर भी और नॉन लीनियर भी. अगर लीनियर की बात करते हैं, लीनियर जो पॉइंट है हमारा एन, लीनियर पॉइंट क्या है हमारे एन पे जो शो कर रहा है, जो हमारी डिमांड है एम एन से रिलेटेड, तो ईडी हमारा एन पॉइंट पे ईडी क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है. ठीक है, एंड ऑन बी पॉइंट पे ईडी लेस देन वन और पी पे ईडी इज इक्वल टू वन और ए पे ईडी इज ग्रेटर देन वन एंड ऑन एम पे ईडी इज इंफिनिटी. ये कैसे शो होगा, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है दैट वॉज द लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व. जैसे हमने पॉइंट निकालना है पी पे, पी वो शोइंग द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इसमें हम लिखेंगे पी एन इज द लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय द पी एम इज द अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व. तो ये जो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वन शो करेगा. उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट पे, जो लोअर पोर्शन है हमारा बी एन और अपर पोर्शन है एम बी, तो वो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन वन है और हमारा जो जो लोअर पोर्शन है वो लो है, लेस देन वन है. तो दैट वॉज शोइंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन और इनइलास्टिक डिमांड. जिस तरीके से हम इसमें बेसिकली एक एक्सेप्शन रहता है कि जो लीनियर डिमांड कर्व्स होते हैं, वो लीनियर डिमांड कर्व जब हम उनको इंटरचेंज करते हैं, मान लो प्राइस जो हमें पहले 4 दे रखा था, प्राइस बाद में 2 हो गया, अगर हम इसको नेक्स्ट सिचुएशन में चेंज कर देते हैं कि प्राइस हमारा पहले 2 था और बाद में 4 हो गया और क्वांटिटी पहले 1 थी बाद में 2 हो गई और अब 2 है और 1 होगी, उन केसेस में हमारे इलास्टिसिटी हमेशा डिफरेंट निकल के आता है. ये मेजर एक शॉर्टकमिंग है, ड्रॉबैक है इस पॉइंट मेथड का, जिसको हम कवर अप करते हैं विद दिस फॉर्मूला दैट इज ईडी इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी को चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी इनटू चेंज इन सम ऑफ प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस. तो ये बेसिकली हमारा जो निकल के आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमेशा चाहे हमारे क्वांटिटी में चेंज हुआ हो, इंटरचेंज कर रहे हैं हम क्वांटिटी को, पहले 1 थी बाद में 2 होगी और बाद में 2 थी फिर 1 होगी, दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस में जब हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं उनको, बेसिकली हम क्या करते हैं क्वांटिटीज को और प्राइस को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी चेंज निकल कर नहीं आता. उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इक्वल रहती है विद दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट वॉज द नॉन लीनियर डिमांड कर्व. नॉन लीनियर डिमांड कर्व वॉज शोन बाय दीज टेंजेंट लाइंस. जब हमारा डिमांड कर्व लीनियर ना रह के नॉन लीनियर रहता है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व. दिस ऑन दिस पॉइंट पी द टेंजेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड द डिमांड इन टू इक्वल पार्ट, दैट इज द पी एन ओवर पी एम, दैट इज लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व. Come to the fourth elasticity of demand, that is arc elasticity.
आर्क इलास्टिसिटी का बेसिक डेफिनेशन है व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व. जब यहाँ पे हम एक सिंगल पॉइंट पे डिमांड कर्व फाइंड आउट कर रहे थे उसका मेजर एक ड्रॉबैक निकला है जिसकी वजह से हमने फॉर्मूले को चेंज किया. ये फॉर्मूला लगाने से हमारा जो इंटरचेंज भी करते हैं तब भी हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है चेंज नहीं होता, लेकिन इन केसेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा अगर दो पॉइंट पे क्लियर अप किया जाता है विद दिस डायग्राम देखिए यहाँ पे जो हमारा जो प्राइस था पी से पी वन हो गया तो वहां पे क्या है जो क्वांटिटी है पी वन हुआ तब हमारी जो क्वांटिटी है क्यू वन निकल के आ रही है. तो दो पॉइंट पे हमारा जो इलास्टिसिटी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्वांटिटी और प्राइस के बीच में दो पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्यूरेट आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा विद दिस फॉर्मूला. चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज और ए सम ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ क्वांटिटी होल डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय एवरेज सम ऑफ प्राइस. यानी कि हम इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज ले रहे हैं. हम क्या ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएंगे विद दिस आर्क. हम दो पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम वन पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं विद दिस फॉर्मूला. दैट वाज द मोर रियलिस्टिक फिगर और ए डिजिट वाज गिवन बाय द आर्क इलास्टिसिटी रेदर देन द प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता क्योंकि हम यहाँ पे दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मोर एप्रोप्रिएट निकल के आती है दैट वाज इन आर्क इलास्टिसिटी. इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है एग्जाम में कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है. दैट वाज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड जिसमें एक्यूरेट डिजिट निकलती है जिसमें हम दो पॉइंट्स पे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो पॉइंट पे कैलकुलेट करके निकालते हैं जिससे हम एवरेज लेते हैं, ना कि हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं, एवरेज लेते हैं दोनों का और फिर कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट मेथड वाज द रेवेन्यू मेथड. रेवेन्यू मेथड क्या शो करता है कि जो हमारा जो रेवेन्यू है ये हमारा क्या शो कर रहा है, रेवेन्यू शो कर रहा है और ये क्वांटिटी शो कर रहा है. रेवेन्यू और प्राइस वाज द सेम. जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं मान लो उसका प्राइस 500 था और हमने 10 यूनिट्स उसकी खरीदी है तो पर यूनिट प्राइस कितना निकल के आया, 500 डिवाइड बाय 10 दैट इज 50 रुपीज हमारा जो पर यूनिट प्राइस निकल गया. उसी तरीके से अगर हमने क्वांटिटी को 10 की बजाय 11 कर दिया विद इंक्रीज इन वन एडिशनल यूनिट तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा. और जो 550 का जो चेंज है, जो 550 का जो चेंज है जिसके अंदर हम कह रहे हैं वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, दैट वॉज द मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ रहा है जो हमारा एडिशनल यूनिट से वन यूनिट चेंज करने से आया है, दैट वॉज द एडिशनल यूनिट. और वो हमारे किस फॉर्मूले से शो करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू जो हमारा प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू जो हमारा आ रहा है वो कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर देगा, दैट वॉज द एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिन रेवेन्यू. और ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है विद देयर ऑप्शंस. आप ऑप्शंस चेंज कर देंगे, ऊपर एम दे देंगे नीचे ए दे देंगे, तो इस तरीके से बहुत चेंजेस करके ये कुछ ये फॉर्मूला भी पूछा जाएगा. इसको आगे फर्दर ऑन रेवेन्यू मेथड को आपको अच्छे से समझ आएगा इन द मोनोपोली मार्केट के अंदर डिटेल में कि रेवेन्यू जब चेंज हो रहा है, जब रेवेन्यू के अंदर जब चेंज हो रहा है प्राइस और रेवेन्यू के अंदर चेंज आ रहा है तो हमारी क्वांटिटी के अंदर कैसे चेंज आएगा और हमारा जैसे ही प्राइस इंक्रीज होके एआर फॉर्म हो जाएगा और क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो क्वांटिटी है वाई एक्सेस पे, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो वाई एक्सेस पे कैसे फॉर्म होगी. तो दैट वॉज शोइंग इन द रेवेन्यू मेथड. दिस इज ऑल ओवर डिटेल रिलेटेड टू देयर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अगर किसी को कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो मेरे नए हैं सब्सक्राइबर्स चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन.